Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Umesh Pal ki hatya ko anjaam dekar bambaz Guddu Meerut mein jaakar chupa. Yahan usse Atiq ke kareebi doctor Akhlaq ke ghar panah mili. Meerut pahunche Guddu ka ek CCTV footage viral ho raha hai jisme bambaz Guddu Akhlaq ke ghar dakhil ho होता साफ दिखाई पड़ रहा है। खबर है कि वह यहाँ पैसे लेने आया था। वह वीडियो में नोटों से भरा बैग भी ले जाता दिखाई पड़ रहा है। पुलिस के मुताबिक 2005 में राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह उमेश पाल था, जिसे बीते दिनों गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया। इस हत्या में अतीक अहमद के बहनोई अखलाक अहमद की अहम भूमिका रही। इसी ने शूटरों को फंडिंग की थी। एसटीएफ की टीम ने बीते दिनों अखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शक था कि बदमाश हत्या को अंजाम देने के बाद मेरठ आए हैं, जिसके चलते पुलिस की नज़र अखलाक पर बनी हुई थी। पुख्ता सबूत मिलते ही एसटीएफ मेरठ ने शनिवार की रात अखलाक को गिरफ्तार कर लिया। पहले भी पुलिस कई मरतबा अखलाक से पूछताछ कर चुकी है। उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर की हत्या को 38 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पांचों शूटर फरार हैं, जिनको तलाशने के लिए कई राज्यों में छापेमारी चल रही है, जिसमें टीम के हाथ सबूत भी लगते जा रहे हैं। यूपी पुलिस के हाथ लगे बड़े सुराग से पता चला है कि कई हत्यारे कई दिनों तक यूपी में ही घूम रहे थे। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।